अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं वहीद आपको अपने चैनल पैरेट इन्फो में वेलकम कहता हूं। आज जब मैं रूटीन वाइज अपने बर्ड को सुबह दाना पानी लगाने आया तो मुझे चिक्स की आवाज़ आना शुरू हो गई, कॉकटेल्स की, हालांकि मुझे पता नहीं था इनका, ना मुझे ये भी पता नहीं था कि इन्होंने लेइंग की। ये बॉक्स लगाए थे मैंने, सेटिंग की थी तो मैंने दोबारा इनको बॉक्स दे दिए थे, लेकिन मैंने इनकी केयर वगैरह उस तरह से नहीं की, ना मैंने ख्याल रखा। तो मैंने कहा ये कहाँ से आवाज़ आ रही है, तो चलो उस टाइम तो मैं दाना पानी करके चला गया क्योंकि मैं सुबह ऑफिस जाता हूँ तो लेट हो रहा था। तो अभी जब वापस आया तो मैंने कहा चलो आप चेक कर लेते हैं, तो आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ इनकी प्रोग्रेस। तो ब्रीडिंग स्टार्ट हो गई थी इनकी, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये देख लें माशाल्लाह, पीछे अगर आपको राह का पेयर नज़र आ रहा हो तो ये भी फीड एक्सचेंज कर रहे हैं। इनको भी अभी तक मैंने बॉक्सेस वगैरह और केज, ब्रीडिंग केज नहीं दिया। इंशाल्लाह कल संडे है तो कोशिश करूँगा इनको भी मैं अपना बॉक्सेस वगैरह और इनको अपना ब्रीडिंग केज वगैरह दे दूँ। तो आए देखते हैं कॉकटेल्स की प्रोग्रेस क्या चल रही है इनकी। तो सुबह मैंने इनकी आवाज़ सुनी है चीज़ की, जैसे वो इनको फीड करा रहे होते हैं। तो चेक करते हैं बॉक्स बाय बॉक्स तो क्या प्रोग्रेस है। तो ये इसमें देख लें, पहला पेयर है माशाल्लाह ये, हाँ इसमें माशाल्लाह एक है दो, एक चिक्स मेरे ख्याल से, हाँ इसका एक चिक्स है। हालांकि मुझे कोई पता नहीं था इन्होंने कब लेइंग स्टार्ट कर दी और किस किस बॉक्स में चिक्स आए हुए हैं। तो देखते हैं साथ साथ कौन से बॉक्स में चिक्स हैं, एग्स हैं, क्या चीज़ है। तो माशाल्लाह मैं पहले भी कहता रहता हूँ कि कॉकटेल एक बहुत अच्छा बर्ड है और ये बहुत अच्छी तरह से ब्रीड करता है, ये आपको सपोर्ट भी करता रहता है साथ साथ। इस बॉक्स में देखते हैं, हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, ये इनो का पेयर है मेरा, तो मेरे ख्याल से माशाल्लाह इसने दो चिक्स दिए हैं, दो हैं तीन हैं, एग्स हैं साथ में के नहीं, देखते हैं। तो ये देख लें इसका माशाल्लाह, इन्होंने मेरे ख्याल से हाँ दो ही चिक्स हैं। तो ये देख लें माशाल्लाह, इन्होंने अच्छी तरह से फीड भी इनको किया हुआ है। तो बस दोस्त कहते हैं कि कॉकटेल फीड नहीं कराते हैं, फीड तो इनका इनको करवानी पड़ती है। इनको आप साफ़ फूड देंगे, माशाल्लाह मेरी तो अब रूटीन है, मैं इनको फर्स्ट टाइम साफ़ फूड देता हूँ, लाजमी देता हूँ, सब बर्ड्स को देता हूँ, छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो ये साफ़ फूड देंगे तो ये अपने बच्चों की अच्छी तरह से भराई कराएँगे। तो इसका क्या है देखते हैं इस बॉक्स में। तो इसने माशाल्लाह लेइंग स्टार्ट कर दी, इसके एग्स आ गए हैं दो। तो कॉकटेल्स को जब चिक्स आ जाएँ इनको, तो आपने इनको ना दो टाइम इनको फीड करवा साफ़ फूड देना है ताकि ये अपने बच्चों की अच्छी तरह से भराई करा दें। अगर आप साफ़ फूड नहीं देते तो इस वजह से ये अपने बच्चे नहीं पालते हैं। और दूसरा, आपने कॉकटेल्स के बच्चों को जब आ जाएँ तो इनको लाइट एंटीबायोटिक्स लाजमी साथ देना होता है। इसका देखते हैं, ये पेयर है, इसके मेरे ख्याल से एग्स आए हुए थे, तो चेक करते हैं, नज़र तो आ रहा है मेरे ख्याल से एक बच्चा इन्होंने निकाला हुआ है, एक है दो है, कोशिश करते हैं, ये मादा मारती तो है, चेक कर लेते हैं फिर भी। तो मेरे ख्याल से बाकी एग्स हैं और एक चिक्स इसका आया हुआ है। आप यकीन करें कि ये मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, तो मैं चेक कर रहा हूँ कि इनकी ब्रीड आई है, क्या है क्या नहीं है। तो मुझे नहीं पता था, मैंने सुबह इनका आवाज़ सुनी है चिक्स की, तो मुझे हुआ कि ये चिक्स आए हुए हैं। इस बॉक्स में देख लें माशाल्लाह, इसमें भी मेरे ख्याल से दो चिक्स हैं, दो के तीन, तीन लग रहे हैं, हाँ देखते हैं निकाल के। तो ये देख लेते हैं, हाँ माशाल्लाह तीन है, तीन चिक्स हैं, ये देख लें माशाल्लाह, इन्होंने भी अच्छी भराई की हुई है इनकी, क्योंकि मैं इनको सुबह रूटीन वाइज साफ़ फूड देता रहता हूँ। कॉकटेल्स को अगर आप साफ़ फूड देते रहेंगे तो ये अपने चिक्स अच्छी तरह से पालते हैं। और मैं आपको बता रहा था कि इनको लाइट एंटीबायोटिक साथ में कोई भी हो आपके पास, लाइट जो भी हो, तो ये जब चिक्स हों के आप इनको साथ साथ देते रहेंगे। अब माशाल्लाह इनकी स्टार्ट हो गई है, उसके बाद मेरे ये रिंग नेक्स भी स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ बॉक्स तो लगे हुए हैं रिंग नेक्स, ये पेयर भी माशाल्लाह बॉक्स में आ जा रहा है और मेल भी आपके सामने मस्ती कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसकी भी जैसे ब्रीडिंग स्टार्ट होगी तो ये भी मैं आपको साथ में इनकी भी प्रोग्रेस शेयर करता रहूँगा। तो बाकी जो कॉकटेल है, मैं आपको कहता रहता हूँ कि आपने जितने बड़े बर्ड्स भी लगा लिए हो ना, तो कॉकटेल साथ में ज़रूर रखें। उसका ये फ़ायदा होता है, आप देख लें कि मिक्स सीड कितनी महंगी हो गई है, तो ये कॉकटेल है, आपको कभी जेब से पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे सीड्स के लिए, ये आपको खुद ही सब चीज़ें निकाल के, आपका दाना जितना भी सेटअप का होगा ये कॉकटेल ही निकाल के देगा। इस बॉक्स में देखते हैं माशाल्लाह, ये इनो का है, वो मेरे ख्याल से अंडा पुराना पड़ा हुआ था, मैं सुस्त बहुत हूँ इस मामले में, तो इन्होंने मेरे ख्याल से हाँ ये न्यू एग्स हैं, ये भी इन्होंने एग्स के देख लें, साइज़ देख लें, और माशाल्लाह ये तीनों फटाइल हैं।
और ये भी इनो का जोड़ा है, इसने भी लेइंग स्टार्ट कर दी है। इसके नीचे एक पाइट का पेयर है, इसको देख लेते हैं इसमें क्या है। इनो है सॉरी, ये भी तो इन्होंने क्या प्रोग्रेस दी है चेक करते हैं। हाँ माशाल्लाह, इन्होंने भी लेइंग स्टार्ट कर लिया। तकरीबन कॉकटेल एक बार स्टार्ट हो जाता है तो माशाल्लाह ये सारे इकट्ठी ब्रीड शुरू कर देते हैं। ये और बॉक्स है, इसमें भी देख लें। हाँ माशाल्लाह, इसके भी दो तीन, हाँ दो चिक्स, दो एग्स भी हैं। अब यकीन करें कि मुझे नहीं पता था कि इतनी ब्रीड आ चुकी है। ये मैंने सुबह इनकी वॉइस सुनी है चिक्स की, फीड की, तो फिर जाके मुझे पता चला है। आज जाके अभी वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, तो मैं देख रहा हूँ कि हाँ ये इनकी ब्रीड आ गई है। तो हम बता रहा था कि कॉकटेल, चाहे आपके पास जितने भी बड़े बर्ड्स आ जाएं, आप कॉकटेल लाजमी रखें अपने सेटअप में, क्योंकि ये आपको अच्छा सपोर्ट कर देंगे। अच्छी सपोर्ट से मतलब ये है कि आज आप लोग जानते हैं कि फीड, मिक्स फीड कितने महंगे हो गए हैं, तो लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुझे भी पता है क्योंकि मैं भी लेता रहता हूँ। तो अगर आप कॉकटेल साथ रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको कभी मिक्स फीड लेने में कभी जेब से पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे। और माशाल्लाह मेरे पास जितने भी ये ब्रीड आती है इसकी, तो बेचना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं होता है, बल्कि बेचने के लिए मुझे एडवांस में कॉलें आई होती हैं इनकी चिक्स की। तो ये तकरीबन जब पिन फीडर में आ जाते हैं तो ये बच्चे मेरे सेल हो जाते हैं, सेल्फ तक तो बहुत कम जाते हैं ये। तो कॉकटेल एक बहुत अच्छा बर्ड है, प्रॉफिटेबल भी है, ईजी से ईजी आसानी से ये बिक भी जाता है। तो ये आप इसके 8-10 पेयर तो आप अपने सेटअप में ज़रूर लगाएं इसके, तो इंशाल्लाह आपको कभी जेब से दाना पानी, इनका जितना दाना है, मेडिसन है, इसका ख़र्चा जितना भी होगा आपको जेब से कभी नहीं लेना पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो आप लाइक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।